एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। मेरा नाम दीपा और आज सबको मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं बहुत टाइम के बाद वीडियो बनाना स्टार्ट की हूँ। इससे पहले मैंने वीडियो बनाने में थोड़ा गैप कर दिया था क्योंकि टाइम का थोड़ा प्रॉब्लम था, बट अब कोशिश करूँगी कि एक या दो दिन के गैप में एक एक वीडियो में डालती जाऊँ। की वीडियो में बताने जा रही हूँ कि जो LG की फ्रंट लोडिंग वॉशिंग मशीन होती है उसमें कपड़े कैसे धोते हैं, कैसे वॉश करते हैं। तो वैसे तो बाकी लोगों को जो यूज़ करते हैं उनको तो ये सारा डिटेल पता होगा, जो नहीं यूज़ करते हैं, जो फर्स्ट टाइम बाय कर रहे हैं और वो देख रहे हैं कि इसमें कपड़ों को धुलाई कैसे करते हैं, कपड़े साफ कितने होते हैं। बस ना, पहले LG की सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन थी जिसे हमने 6 से 7 साल यूज किया है और बहुत ही अच्छे तरीके से काम किया है उसने। अभी लास्ट मंथ ही हमने अपनी फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन परचेज की है अमेजोन से, और जो हमारे पास सेमी ऑटोमेटिक थी वो हमने एक्सचेंज कर दी है। उसका उस टाइम पे हमें एक्सचेंज वैल्यू 3500 मिला था और ये मशीन हमें उस टाइम पे डिस्काउंट था अमेजोन पे, तो हमें कुछ 25 या 26 के आसपास मिल गई है। तो काफी अच्छी मशीन है। और इसमें एक चीज़ और फायदा है कि इसमें ना आवाज़ नहीं होता है। हम सेमी ऑटोमेटिक मशीन यूज़ करते ना तो उसमें आवाज़ होती रहती है, जब तक कपड़े वॉश होते रहते आवाज़ होती रहती, बट इस मशीन में बिल्कुल भी आवाज़ नहीं होती। मशीन लगी है आपको पता भी नहीं चलेगा। कि फिर आगे वीडियो में बढ़ते हैं और आपको दिखाते हैं कि जो हमारे पास मिक्स कपड़े डेली यूज़ के कपड़े रहते हैं जो हम डेली वेयर करते हैं और अगले दिन उनको वॉश करना रहता है, तो कैसे मशीन में हम फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन में वॉश कर सकते हैं। और मैं कैसे क्या करती हूँ, मैं 2 दिन के कपड़े रखती हूँ, 2 दिन के बाद फिर मैं मशीन लगा लेती हूँ। आप चाहे तो डेली भी यूज़ कर सकते हैं, जैसा आपको उसकी ज़रूरत है। तो चलिए फिर वीडियो में आगे बढ़ते हैं और आपको दिखाते हैं कि कैसे वॉश करते हैं। तो यहाँ पे हम सबसे पहले क्या करेंगे, इस लॉन्ड्री बैग में हमारे सारे मिक्स कपड़े रखे हुए हैं और ये लॉन्ड्री बैग हमने लिया था अमेजोन से, देख सकते हैं, और बहुत ही अच्छा क्वालिटी है और काफ़ी सस्ता था, 150 या 200 में ये मिला है हमें, ये देखिए, और काफ़ी अच्छा क्वालिटी का है। तो इस लॉन्ड्री बैग में हमने रखे हैं अपने सारे मिक्स कपड़े। और उसके बाद आ जाते हैं हम अपने फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन के पास, जो कि हमने अपने किचन की बालकनी में रखा हुआ है। और ये है हमारी वॉशिंग मशीन जिसको हमने कवर से ढककर रखा है क्योंकि गंदा नहीं होए, और बारिश के टाइम पे, मतलब इससे पहले भी थोड़े टाइम पहले बारिश हो रही थी ना, तो यहाँ से बारिश आती थी, तो इसके लिए सेफ़ रहे मशीन, इसके लिए हमने इसके लिए कवर बाय किया है। और ये भी अमेजोन से ही लिया है, ये भी कुछ हमने 400 या 500 में लिया था। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर दोनों साइड चैन रहेगा अगर आप यहाँ पर बंद कर देते हैं, और यहाँ पर भी ये देखिए ये भी एक साइड इसके चैन रहेगा। तो चलिए फिर इसको हम सबसे पहले ओपन कर देते हैं मशीन को, और इसमें फिर कैसे कपड़े वॉश करना है वो मैं आपको बताती हूँ। तो इसको हम ओपन कर देते हैं और ये देखिए, ये हमारी है LG की फ्रंट लोडिंग मशीन, इन्हें सिल्वर कलर की, इसमें वाइट कलर भी है, वाइट कलर थोड़ा इससे 1 या 2 हज़ार कुछ सस्ता मिलेगा और ये सिल्वर कलर है, तो ये थोड़ा 1000-2000 रुपए का डिफरेंस है दोनों में, बाकी मशीन सेम है। तो इसमें हम सबसे पहले चलते हैं, इसका जो ड्रम है इसमें हम सारे कपड़े भर देते हैं। तो इसके लिए हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, डोर को ओपन करना है, और ओपन करने के बाद आप ये देख सकते हैं ये इसके अंदर का ड्रम है, और इसमें हम जितने भी ये कपड़े रखे हैं इसको हम इसके अंदर डाल देते हैं और फिर उसके बाद आपको बताते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने सारे कपड़े डाल दिए हैं और सिर्फ एक बेडशीट छोड़ के रखी है। ये बेडशीट जो हमारी है ये एक छोड़ दी है, इसको हम बाद में वॉश करेंगे बेडशीट के साथ में। अब हमें क्या करना है, इसका डोर बंद कर देना है, और यहाँ पे ये देखिए ये मेरा बेबी यहाँ पे डोर बंद कर रहा है क्योंकि इसको अच्छे से बंद करना है, नहीं तो फिर जब हम ऑन करते हैं ना तो डोर एरर का ऑप्शन आने लगता है यहाँ पे स्क्रीन पे। आप देख सकते हैं इसके अंदर हमने कपड़े डाल दिए हैं और इसका डोर बंद कर दिया है। तो अब चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस में, यहाँ से नल को चालू कर देंगे, ये ऑलरेडी चालू ही है, इसको हम हमेशा चालू करके ही रखते हैं। तो ये नल यहाँ पे चालू है, आपको नल को क्या करना है, चालू कर देना है, जब इसको ज़रूरत लगेगी मशीन को तब यहाँ से पानी लेगी, और नहीं ज़रूरत लगेगी तब नहीं लेगी। उसके बाद हमने मेन स्विच ऑन कर दिया है, मेन स्विच ऑन करने के बाद इसको हम प्री वॉश पे टच करेंगे तो इस तरीके से स्क्रीन दिखने लगेगा। उसके बाद फिर हम यहाँ पर सर्फ डालेंगे, तो यहाँ पे मेरे पास जो है सर्फ वो एरियल का है लिक्विड में, तो इसको बस ओपन करके जितनी ज़रूरत है, जितना हिसाब से आपने कपड़ा डाला है उस हिसाब से आपको इसके अंदर डाल देना है। और डालने के बाद हम इसको
बंद कर देंगे अच्छे से। और उसके बाद हमने मिक्स कपड़ा डाला है यहाँ पे, तो हमें क्या करना है, मिक्स पे जाना है। तो मिक्स पे जाएंगे तो अभी ये देखिए, आप ये देखिए कॉटन में है, उसके बाद कॉटन लार्ज में ये लाइट ऑन हो रही है। उसके बाद हम नीचे आते हैं तो ये आ गया मिक्स पे, तो हमें मिक्स पे ही चालू करना है क्योंकि हमारे सारे कपड़े मिक्स हैं यहाँ पे। तो मिक्स पे करने के बाद हम यहाँ पे ऑन कर देंगे इसको, तो ये देखिए। और ये जो आप देख सकते हैं रेड कलर की का डोर लॉक हो गया है। और अगर ये की नहीं दिखता है, डी ई दिखता है, यानी कि आपका डोर लॉक नहीं है। और जब तक डोर लॉक नहीं होगा आपकी वॉशिंग मशीन काम नहीं करेगी। तो इसके लिए आपको डोर को सबसे पहले अच्छे से बंद करना है, और बंद करने के बाद उसके बाद हम यहाँ पर की का साइन देख सकते हैं। और यहाँ पे मशीन ने अपना काम करना स्टार्ट कर दिया है, और आप देख सकते हैं ये देखिए। अब मशीन क्या करेगी, थोड़ा थोड़ा पानी लेगी, कपड़ों को गीला करेगी, और यहाँ पे जो हमने डाला है ना सर्फ, वो ये देखिए धीरे धीरे वो पानी से सारा सर्फ अंदर लेके जाएगी। और ये धीरे धीरे, और यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे ये टाइम सेट हो गया है। तो टाइम सेट हुआ है 1 घंटा 23 मिनट का, यानी आपका कपड़ा 1 घंटे 23 मिनट में अच्छे से साफ़ होके, धुल के और सूखा के निकलेंगे। तो इनको अब हम वॉश करने देते हैं। हमने और यहाँ पे अलग अलग कपड़े के अलग अलग ऑप्शन है मिक्स के लिए। मिक्स है, मिक्स में सभी आ जाते हैं, जैसे कि जेंट्स शर्ट हो गई और लेडीज़ कुर्तियाँ हो गई, ये सारी चीज़ें आप मिक्स में धो सकते हैं। बाकी कॉटन, कॉटन में बेडशीट, ये सारी चीज़ें, मतलब अलग अलग ऑप्शन है। इसकी वीडियो मैंने पहले ही डाली है, तो वहाँ पर जाके आप उस वीडियो को देख सकते हैं, वहाँ पर सारा डेमो दिया गया है वीडियो में। और यहाँ पर ये देखिए कपड़ा धुलना स्टार्ट हो गया है। तो बस अब इसको हम छोड़ देते हैं और अपना दूसरा काम करते हैं। और यहाँ पर ये देखिए मशीन अब कपड़ों को ये देखिए खगाड़ना और सुखाने का काम बाकी है, तो वही कर रही है। और लास्ट में जब बचता है ना कुछ आधे घंटे 15 मिनट का टाइम, तो बहुत ही स्पीड में मशीन चलती है, बहुत ही तेज़। ये देखिए इसकी स्पीड एकदम से बढ़ गई है, तो बस अब इसको फटाफट काम करने दे। और हम यहाँ पे देख रहे थे ना, तो यहाँ पे ये जो मशीन के डोर के पास जो रबर लगा रहता है ना, इसमें ये देखिए ये 10 का कॉइन है जो कि रबर के पास ही आके अटक गया है। तब इसको जब कपड़ा हो जाएगा, मतलब इसका काम कंप्लीट हो जाएगा, अभी 31 मिनट बाकी है, तो जब इसका काम कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद हम वो कॉइन निकालेंगे। तो यहाँ पर ये देखिए टाइम हो गया है ओवर, और इसका मैंने मेन स्विच भी बंद कर दिया, तब कपड़े निकाल लेते हैं। तो बस डोर ओपन करना है, ये सारे कपड़ों को निकाल लेना है। और ये कपड़े ज़्यादातर 70 से 80% सूख जाते हैं, सिर्फ थोड़ा सा इनको सुखाना बाकी रहता है। तो यहाँ पे ये देखिए कपड़े बहुत ही अच्छे तरीके से धुले गए हैं, और ये देखिए काफ़ी हद तक सूख भी गए हैं। तो ये कपड़े सेमी ऑटोमेटिक में जैसे हम वॉश करते हैं ना, उससे काफ़ी बेटर रिजल्ट देता है कपड़े धोने में। वीडियो सबको अच्छी लगी होगी, और वीडियो जरा भी अच्छी लगी होगी या हेल्पफुल लगी होगी तो वीडियो को लाइक करना, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं आपसे फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। आप सभी अपना